खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से है, जहां जिले के स्कूल में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को एक साल से मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में सफाई कर्मचारियों ने शासन प्रशासन से जल्द मानदेय दिलाने की मांग की है। दरअसल धमतरी जिले के सरकारी स्कूलों में करीब 1400 सफाई कर्मचारी कार्यरत है। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें वर्ष 2013 से 2014 का मानदेय नहीं मिला है, जिसकी कुल राशि करीब 2.5 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग से कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। बताया कि वर्तमान डीईओ से जानकारी मांगने पर बताया गया कि सभी को भुगतान कर दिया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक साल से किसी भी सफाई कर्मचारी को मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में स्कूल सफाई कर्मचारी मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, वही मानदेय की मांग भी कर रहे हैं वे लोग, और प्रशासन पूरे मामले की जांच कराने की बात कह रहा है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। उसको भी जांच करवा लेंगे, जांच करवा लेंगे, अभी तो हमारे संज्ञान में आया है और जैसा भी उसमें उचित होगा निर्णय लिया जाएगा। हम 2013 में जो लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के तहत, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के तहत हमको 4 घंटा कार्य लिया गया था, और 4 घंटा के कार्य के एवज में हमको केवल 2 ही घंटा का मानदेय भुगतान हुआ है और 2 घंटा का मानदेय भुगतान बकाया है। इसको हमने संज्ञान में लाया कलेक्टर महोदय से, कलेक्टर महोदय के रिफरेंस में उन्होंने जवाब दिया है कि हमने मानदेय भुगतान कर चुके हैं। तो भाई एक तरफ डीओ बोलता है मानदेय भुगतान कर चुके हैं, तो ठीक उसी के अधीनस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी नगरी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी मगरलोड जो है 2 घंटा बकाया मानदेय की मांग पत्र और बकाया है ऐसे टाइप के पुष्टि कर रहे हैं। लगभग 1 साल का मानदेय बाकी है 2 घंटे का। अधिकारियों का यही कहना है कि हमने मानदेय भुगतान कर चुका है, तो भाई हम ये कहते हैं कि आपने मानदेय भुगतान किए हैं तो हमको उसकी सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस डेट में लोक शिक्षण संचालनालय को डीओ साहब ने मांग किया था उस डेट में हमारे खाते में 1 रुपया पैसा नहीं आया है। अब इसमें कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन इसमें संशय की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ डीओ बोल रहे हैं कि हमने दे दिया है, तो उसी के अधीनस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी मांग कर रहे हैं, तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं इस पर कुछ छानबीन होने की छानबीन होना चाहिए मेरे हिसाब से। भैया हम लोगों को 2014 में 4 घंटे का ड्यूटी कर दिया गया था। हम ऐसे पहले कर्मचारी हैं जिनका प्रमोशन होने के बाद डिमोशन कर दिया गया है। 2014 में हमको 4 घंटे का आदेश निकाल दिया गया था और उसी के तहत हम 4 घंटे कार्य किए, और जब मानदेय के लिए हमको भुगतान 2 घंटे का मिला, उसके बाद हम लोगों ने मानदेय के लिए आवेदन लगाए बीओ में डीओ में, फिर भी हमको वेतन प्राप्त नहीं दिया गया, 4 घंटे का वेतन नहीं दिया गया। फिर 2017 में हमारे मांग पत्र को देखते हुए उन लोगों ने हमें पुनः फिर से 2 घंटे का आदेश जारी कर दिया गया कि भाई आप लोग 2 घंटे काम कीजिए ऐसे कर जी। आगे अगर मानदेय की मांग कर रहे हैं, अगर नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में हम 10 अगस्त को अनिश्चितकालीन हड़ताल में अपने ब्लॉक मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।